गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज नया चैप्टर, चैप्टर नंबर थर्ड, M2 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर थर्ड है कॉची यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये सब एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका गेट के परस्पेक्टिव से और आप अपने कॉलेज की पढ़ाई के परस्पेक्टिव से और अदर एग्जाम से AMIE, IEEE सबके इम्पोर्टेंट परस्पेक्टिव से ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होती है। सबसे पहला केस हम यहाँ पे देखेंगे, कॉची यूलर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। कैसी इक्वेशन होती है? ये होती है आपकी a नॉट x की पावर n d n y अपॉन d x n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 d की पावर n माइनस 1 y अपॉन d x की पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन टू a नॉट y इक्वल्स टू फाइ x। यहां पर ये आपका आता है a n। दिस इज a n। तो ये एक होमोजीनियस यूलर इक्वेशन है जहां पर वेयर a नॉट a वन a टू सो ऑन ये सब कॉन्स्टेंट है। ये जब कॉन्स्टेंट होंगे तभी ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है ये एक होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। अब यहां पे कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, जैसे जो x इक्वल टू है हमको मानना पड़ेगा e की पावर z। अगर x इक्वल टू e की पावर z है तो z इक्वल टू log बेस ex होगा। और एक चीज और, जैसे आपने पिछले टॉपिक में जब पढ़ा था कि आपका d ओवर dx टेंड कर रहा है d को, कैपिटल d को, यहां पर d ओवर dz टेंड करता है कैपिटल d को, ये भी कैपिटल d को टेंड करता है। अब यहाँ पे अगर डी एक्स ओवर डी जेड होता तो ये डी एक्स हो जाता, अगर डी वाई बाई डी जेड होता तो ये डी वाई होता। अब हम आगे बढ़ते हैं, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब इसमें एक रिलेशन है जो हमको बनाना होता है, जो हम क्वेश्चंस में आप काफी यूज में आता है, मैं आपको वो डिराइव करके बता देता हूँ। सपोज आपने एक डिफ्रेंशिएशन किया डी वाई बाई डी एक्स, ये आपने एक डिफरेंशिएशन किया, मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूं। जैसे यहां मैंने dz का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो dy by dz मल्टीप्लाई dz by dx। अब मैं इस इक्वेशन को देखूंगा z इक्वल टू log x, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dz ओवर x के रिस्पेक्ट में, तो dz ओवर dx आएगा आपका 1 अपॉन x। तो मैं इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करके लिख सकता हूं वन अपॉन एक्स डी वाई बाय डी जेड, ठीक है।
इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो फर्दर कैसे सॉल्व करूंगा मैं, आपका जो dy by dx है यानी x का उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x डिवाइड by dx को मैं dy by dz कह सकता हूँ, यानी इसको मैं कह सकता हूँ आपका dy, एक तरफ से इतना हमें समझ में आएगा। तो एक तो ये मेथड यानी x dy by dx का नया रिलेशन आया हमारे पास जो कि है dy by dy, x dy को dy by dx को मैं dy कह सकता हूँ या dy by dz को मैं dy कह सकता हूँ। नेक्स्ट चीज, अब अगर मैं इस चीज को या मैं जैसे मैंने dy by dx अभी आपको सॉल्व करके बताया, तो अब मैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को सॉल्व करूँ, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स को एक्चुअली में है क्या, यह है आपका डी ओवर डी एक्स और डी वाई बाय डी एक्स अंदर ब्रैकेट में, इसी को मैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स को कह सकता हूँ। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू मैंने पहले निकाली है 1 बाय एक्स डी वाई बाय डी जेड, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि डी ओवर डी एक्स 1 अपॉन एक्स डी वाई बाय डी जेड। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ आगे, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो फर्स्ट फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, ये आएगा आपका माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, नाउ प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन हो गया आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर, बट क्योंकि मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो एक डी जेड ओवर डी एक्स और आएगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब मुझे देखना है आगे मैं क्या सोल्व करूंगा, तो अब मैं जो एक्स स्क्वायर यहां पर है, अब डी जेड ओवर डी एक्स इसकी वैल्यू मैंने सोल्व करी थी कि डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1 बाय एक्स, तो मैं तो डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास, इसको तो मैं एज इट इज लिख दूंगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर, अब डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स, अब ये आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैं यहां से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, ये बना आपका डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स, अब मैं ये जो एक्स स्क्वायर है ये उधर मल्टीप्लाई करके ले सकते, यानी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, यहां से डी स्क्वायर प्लस डी, राइट, तो ये मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ डी डी माइनस डी माइनस वन, यहां पे ये माइनस में सो गया, दिस इज माइनस This is minus. तो ये आया डी डी माइनस वन, तो ये भी एक रिलेशन है जो आपको यूज में आएगा इस चैप्टर में।
एक और आप नोटेशन देख सकते हैं इसी, जैसे हमने x, अभी हमने x डीवाई बाई डी एक्स का क्या निकाला, dy, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का निकाला डी डी माइनस वन, यहां पर भी ये y आएगा। तो अब ये बना एक रिलेशन, इसी तरीके से आप एक्स क्यूब के लिए भी लिख सकते हैं, डी डी माइनस वन डी माइनस टू वाई, ये तीनों रिलेशन आपके काफी काम आएंगे। अब हम चलते हैं आगे, इसके क्वेश्चन हम किस बेसिस पे करते हैं वो देखेंगे अब हम। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस फोर एक्स वाई डैश प्लस फोर वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। तो जहां पे भी अब आप देखें कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट में एक्स स्क्वायर है, तो वो आप कॉची से कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें कंडीशन और दे रखी है आपको उस क्वेश्चन के लिए कि आपको वाई टू पे इसकी वैल्यू हो जाएगी फोर और y डैश टू पे इसकी वैल्यू हो जाएगी वन। तो हम इस कंडीशन से कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन वो भी हम देखेंगे जब हमारा CFOPA निकल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, तो इस कंडीशन को कैसे यूज करते हैं वो हमें पता चलेगा। तो जैसे कि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम कह सकते हैं डी डी माइनस वन माइनस फोर डी, यहाँ पे आपका वाई और आएगा, या हम लास्ट में लिख लेंगे कॉमन लेके, अभी लिख लेता हूँ पहले मैं एक बार, माइनस फोर डी वाई प्लस के फोर वाई इक्वल टू फोर ई की पावर टू जेड माइनस सिक्स ई की पावर यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ये सिक्स एक्स क्यूब है, ये हो जाएगा सिक्स ई की पावर थ्री जेड। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से वाई कॉमन ले सकते हैं, तो ये डी डी माइनस वन माइनस फोर डी प्लस फोर, ये बन गया ये y equals to 4 e की पावर 2z माइनस 6 e की पावर 3z। तो इतना हमारे पास आ गया, अब हम इसको इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना सकते हैं। तो जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो d स्क्वायर माइनस d माइनस 4d प्लस 4 y equals to 4 e की पावर 2z माइनस 6 e की पावर 3z। तो जब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो कुछ इस टाइप में बनेगी कि m स्क्वायर या आपका माइनस 5d यानी 5m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आपके रूट्स निकलते हैं वो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, m माइनस 1 m माइनस 4 इक्वल टू जीरो, यानी आपके m के दो रूट्स 1 और 4। तो यहाँ पे आपका जो cf निकलेगा वो तो काफी इजी है, ये आपका हो गया c1 e की पावर z, क्योंकि d स्टैंड्स फॉर d ओवर z, तो यहाँ पे निकलेगा e की पावर z प्लस c2 e की पावर 4z।
अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम z में छोड़ेंगे यहाँ पे सी एफ एन ई, हमें z में नहीं छोड़ना, हमें सोल्व करना है इसको, यानी x में आपको उसे कन्वर्ट कर देना है। तो मैं सी एफ को आपको कुछ ऐसे लिख लूंगा, सी एफ आपका हो जाएगा, अब हमने x माना था e की पावर z, तो सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स की पावर 4, ये आपका आया सी एफ। अब हम पी एफ पी आई निकालेंगे, तो जब हम पी आई निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 4 इंटू में आपका e की पावर, सॉरी 4 इंटू e की पावर 2z और प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 4 इंटू 6 e की पावर 3z। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका 4 तो आपका इधर आ जाएगा इंटू e की पावर 2z है, आप प्रूव कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 2 4 माइनस 8 2 10 प्लस 4 e की पावर 2z माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर, तो 3 9 माइनस 5 3 15 प्लस 4, ये आपका 6 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया e की पावर 3z। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन भी हम निकालना है, तो इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका माइनस 1 प्लस 4 यानी ये हो गया आपका माइनस 2 e की पावर 2z प्लस 3 e की पावर 3z। इसको आप सॉल्व करके ये आएगा, तो ये आपका पी आई आ गया। अब कंप्लीट सॉल्यूशन आप लिखेंगे सी एफ, सी एफ था आपका सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स की पावर 4, इसको भी आपको पी आई को भी आपको एक्स में कन्वर्ट करने का, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2x² प्लस 3x³, ये आपका आ गया पी आई। लेकिन आप कभी पूरा क्वेश्चन नहीं हो, क्योंकि आपको कंडीशन दी है, ये एक्चुअली में आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो वाई के इक्वल है। तो अब आपको दे रखे हैं दो कंडीशन, क्या क्या, जब आपका वाई की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगी, यानी कि फंक्शन में एक्स की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, कंडीशन है आपकी वाई 2 पे वैल्यू होनी चाहिए 4, तो फंक्शन में आपको एक्स रखना पड़ेगा, तो हम रख देते हैं 2c1 प्लस 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हो जाएगी आपकी 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो यानी 16c2 माइनस 4 2 8 8 प्लस 4 4 2 8 यानी 8 3 24, इसकी वैल्यू है हमारे पास 4। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये तो आपका बन जाएगा 16, और अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये c1 प्लस 8c2 इज इक्वल टू 6, ये आपकी पहली क्वेश्चन। इसके बाद आप दूसरा जो आपको रिलेशन दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है कि y-2 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो मैं dy/dx निकाल, यानी इस इक्वेशन को मैं एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो ये हो गया आपका dy/dx c1 प्लस
फोर सी टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस नाइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ y डैश पे टू डालना है, x के टू डालना है, वन आएगा तो c1 वन एज इट इज प्लस टू 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 फोर फोर टू जट एट फोर जो थर्टी टू सी टू माइनस का एट प्लस का नाइन फोर थर्टी सिक्स। तो इसकी वैल्यू हमारी वन, तो c1 ये आपकी इक्वेशन बन गई, c1 प्लस थर्टी टू सी टू इज इक्वल टू माइनस का ट्वेंटी नाइन। तो ये आपकी दूसरी क्वेश्चन। अब आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। जब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो c1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 5/3 और c2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 23/24। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो c1 और c2 की दो वैल्यूज आई हैं इनको जो कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका, मैं आपको बता देता हूँ ये वाला, ये इसमें आपको पुट कर देना है c1 और c2 की वैल्यू और आपको सॉल्व करके आंसर फिनिश हो जाएगा। तो ये हमने कोचीज के बारे में पढ़ा। इसका हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा इसका, इससे रिलेटेड हम एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की, वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है अब x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx प्लस y इक्वल टू साइन log x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपको और इसमें आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि x इक्वल टू आपको e की पावर z पुट करना है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ हम इस तरीके से ले सकते हैं, इक्वल टू साइन टू एक्स टू जेड सॉरी। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को ले सकते हैं। तो अब ये हमारे लिए इजी हो जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहले हम बना लेते हैं यहां से। ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो जी। तो अब यहां से जब m की वैल्यू हम निकालेंगे वो निकलेगी हमारी माइनस वन, और सॉरी जो m की वैल्यू हमारी होगी वो इमेजिनरी होगी, यानी प्लस माइनस का i। तो अब इसका cf तो काफी इजी हो गया आपके लिए। cf हो गया आपका c1 cos z प्लस c2 sin z। इसको हम लिख सकते हैं c1 cos z को हमने यहां पर जाएगा cos log x, z को हम log x कर सकते हैं ना, प्लस c2 sin log x। और हम पी आई निकालेंगे। पी आई निकालने के लिए आपको वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन टू जेड। तो जब हम टू पुट करेंगे डी स्क्वायर, यहां पे तो वन है ना, तो यहां पे आ जाएगा आपका वन।
तो जब हम 2 पुट करेंगे तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं माइनस का 4d स्क्वायर की जगह। आपने लास्ट प्रीवियस वीडियोस आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी जो साइन और कॉस का पीआई निकालने के, उससे आप रेफर ले सकते हैं अगर आपको ना समझ में आएगा तो। तो ये हमारी जो वैल्यू आ गई ये आ जाएगी आपकी -4 + 1 sin 2z। इसको हम लिखेंगे माइनस का 1/3 sin 2z। सो जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन अब यहाँ से आएगा, तो पीआई को हम एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। ये माइनस का 1/3 sin 2z को जो हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन लॉग एक्स स्क्वायर। कंप्लीट सॉल्यूशन अब जो बना वो बना c1 cos log x + c2 sin log x एंड -1/3 sin log x² ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन यानी y निकल के आ गया।